So we are going to continue with this. This is a lecture. I think this is the fourth lecture. And we have stopped on this paragraph. The creek from here. And there were the traps. Okay. So, Shaurya, are you ready with an explanation? Can you explain? Yes, sir. The creek was frozen clear to the bottom. Sir, this means that sir, जिस creek के बारे में वो बात कर रहा था, उसको पता था कि वो अपने end तक बिल्कुल deep तक वो frozen है. No creek could contain water in that Arctic winter. Sir, Arctic winter से मतलब है जो वहाँ पे winter था बिल्कुल extreme climate, जो cold weather था sir, उसकी बात चल रही है कि इसको पता था कि कोई भी creek उस time तक मतलब उस कोल्ड क्लाइमेट में कोई भी वाटर कंटेन नहीं करेगी, सारी फ्रोजन होंगी. बट ही न्यू ऑल्सो दैट देयर वर स्प्रिंग्स दैट बबल्ड आउट फ्रॉम द हिल साइड्स. लेकिन सर उसको उन स्प्रिंग्स का भी पता था कि जो 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 हिल साइड मतलब पहाड़ियों के बराबर से होते हुए आ रहे थे एंड रैन अलोंग अंडर द स्नो एंड ऑन टॉप द आइस ऑफ द क्रीक. और स्नो के नीचे से आ रहे थे और उनके ऊपर थोड़ी सी आइस जमी हुई है बस. ही न्यू दैट द ओल्डेस्ट स्नैप नेवर फ्रोज दी स्प्रिंग्स. उसको पता था कि जो कोल्डेस्ट ये जो सबसे कोल्डेस्ट वेदर भी उनको कभी जमा नहीं पाता है स्प्रिंग्स को. एंड ही न्यू लाइकवाइज देयर डेंजर. और इसलिए उसको डेंजर भी पता था कि इनसे उसको क्या डेंजर है कि उस पे अगर अगर वो उसमें गिर जाता है तो उसको क्या डेंजर होएगा, वो फ्रीज हो जाएगा सर. फिर जैसे बताया था कि अगर वो फ्रीज हो जाएगा तो फिर उसको आइस वो फिर सर फिर उसको फायर जलानी पड़ेगी जिससे अपने वो आइस मेल्ट करने के लिए. Avichal and Naveen, you have understood what he is saying? Sir, हम summarize कर सकता है. Basically, वो एक experienced person है और उसको पता होने वाला है कि यहाँ से ये हो सकता है, इसका risk है, तो ये मेरे को avoid करना है. Sir has actually nailed it on the head. उसने बहुत अच्छा बताया. लेकिन पता नहीं, I don't know you people understood or not. But sir ने बहुत अच्छा बोला. बोला कि वहाँ पर कितनी भी creeks होंगी, that is small streams, वो सब जम गई होंगी, definitely. माने इतना इतना ठंडा है कि कोई भी स्ट्रीम जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें पानी हो. दे हैव ऑल बिकम आइस, ठीक है, और अच्छा स्ट्रॉन्ग लेयर बन गया आइस का. लेकिन अगर सामने कोई हिल है तो कभी कभी हिल के अंदर से एक छोटी सी नहर, एक छोटी स्ट्रीम निकलती है और वो इस क्रीक के ऊपर होके निकल जाती है. ओके, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो इसके ऊपर पे निकल जाती है. अच्छा, इसके ऊपर फिर से बर्फ जम जाती है, क्या समझे, इसके ऊपर फिर से एक तो गैप आ जाता है, ठीक है, और फिर एक और स्ट्रीम का लेयर आ जाता है, ठीक है, फिर एक तो स्ट्रीम का लेयर आया नीचे से, फिर इसके ऊपर में क्या हुआ, फिर एक तो क्या नाम है अगेन, क्योंकि ऊपर से बर्फ गिर रही है तो फिर गिर जा रहा उसके ऊपर में. बट दिस प्लेस आर वेरी डेंजरस. व्हाई? बिकॉज इफ यू स्टेप इन वन ऑफ दीज, क्योंकि नीचे का लेयर तो पतला है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे एक तो स्ट्रीम जा रही है. और इसने यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड कहा है कि कोल्डेस्ट स्नैपर, कितना भी ठंड पड़ जाएगा, ये जो पानी की जो लहर है जो इधर से आ रही है ये कभी भी फ्रीज नहीं होगी. सो दीज आर ट्रैप्स, ये बहुत डेंजरस ट्रैप्स है. अंडरस्टूड? सो इफ यू पुट योर फुट ऑन एनी वन ऑफ दीज, ये क्या होगा, टूटते टूटते तुम नीचे गिर जाएगा. माने जितना लेयर के ऊपर लेयर होगा ना, जितना स्ट्रीम का लेयर होगा तुम उतना नीचे गिर जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डीप, बट तुमको वेस्ट तक डुबा सकता है. अगर तुमको वेस्ट तक डुबा दिया उस ठंडा में, इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस. बिकॉज तुमको तो पता ही है कि एक सेकेंड के अंदर बर्फ बन रहा है. नाउ यू इमेजिन दैट यू एंटर्ड दोज वन ऑफ दोज स्ट्रीम्स और तुम्हारा वेस्ट तक पानी आ गया, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू यू? एक सेकेंड के अंदर में तुम पूरा नीचे लोअर हाफ में फ्रीज हो जाएंगे. अंडरस्टूड? यस सर. एम आई क्लियर? यस सर. यस. सो वी आर गोइंग थ्रू वेरी डेंजरस एरियाज. ओके, पूरा दे हाइड पूल्स ऑफ वॉटर अंडर द स्नो दैट माइट बी 3 inches डीप और 3 feet. तो बोल रहा है उनके नीचे पानी हो सकता है जो कि 3 feet भी डीप हो सकता है और 3 inches डीप भी हो सकता है. Sometimes the skin of ice half an inch thick covered them and it turned was covered by snow. बोल रहा है कभी कभी क्या होता है, एक पतला सा बर्फ जम जाता है और उसके ऊपर स्नो जम जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्नो जम जाता है. माने अगेन देर इज अ स्नो ऑन टॉप ऑफ इट, सो देर आर लेयर्स ऑफ स्नो, ठीक है, लेयर्स ऑफ वॉटर एंड देर लेयर्स ऑफ स्नो इट्स गोइंग. Sometimes the skin of ice and half an inch covered them and in turn it was covered by snow. Sometimes there was alternate layers of water and ice skins. Mane pani, phir ice, phir pani, phir ice, phir pani. Is tarah ka layer hota hai. So that one broke under, so that one broke through, he kept on breaking through for a while. Samajh mein aa raha hai? So agar ek pani ka layer hai,
उसके ऊपर एक आइस का लेयर है सपोज, फिर पानी का लेयर है, फिर आइस का लेयर है, फिर पानी का लेयर है, फिर आइस का लेयर है. तो इफ यू स्टेप ऑन दिस, तुम पूरा इसको तोड़ते हुए, इस लेयर को तोड़ते हुए, इस लेयर को तोड़ते हुए, इस लेयर को तोड़ते हुए, पूरा यू विल सिंक डाउन. अंडरस्टूड? पूरा नीचे तक तुम आ जाएगा. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ? मतलब वो टूटते बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, एक लेयर बर्फ का है, ठीक है, फिर इसके ऊपर पानी है, ओके. अच्छा, अब ये पानी, अरे सर, जो बर्फ का लेयर है वो भी तो पानी से ही होगा ना, मतलब कोई नीचे स्ट्रीम हो रहा है. अरे यार, वो जम गया ना, वो आइस सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है. इसके ऊपर फिर आइस जम गया, इसके ऊपर फिर आइस जम गया, ओके. और उसके ऊपर फिर एक तो पानी का लेयर है, ओके. उसके ऊपर फिर आइस जम गया. अंडरस्टूड? तो आइस पानी, आइस पानी, इस तरह का लेयर चल रहा है, ठीक है. तो ये जो आइस है ऊपर वाला, डेफिनेटली ये बेसी मोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे पानी है. तो हम इसको स्किन बोल सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक स्किन, डेलिकेट लाइक अ स्किन, लाइक अ मेम्ब्रेन, ओके. सो इफ यू स्टेप हियर, इफ बाय चांस इफ यू स्टेप हियर, अगर तुम यहां पर पैर रख दोगे, देन व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस, एंड इफ यू ब्रेक दिस यू विल एंटर हियर. तो ये तो लिक्विड लेयर है, तो लिक्विड लेयर के तो पैर नीचे ही चला जाएगा. फिर तुम इस आइस में आओगे, इसको भी ब्रेक कर दोगे, फिर इसके नीचे पहुंच जाओगे, ये भी लिक्विड लेयर है. तो एक सेकंड के अंदर में तुम इतना नीचे गिर जाएगा, या जितना भी वो डीप होगा उतना नीचे गिर जाएगा, ठीक है. एंड देन यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज वहां पे तो एक सेकंड के अंदर आदमी पूरा ठंडा ही हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो एक सेकंड के अंदर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम इतना डीप घुस गया, ठीक है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये पूरा फ्रीज हो जाओगे तुम, है कि नहीं? क्लियर? सॉरी, क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर. ओके, अगर कोई अपना माइक बंद किया ना तो देखना. अभी चल, स्विच ऑन योर माइक. एंड नवीन, वेयर इज ही? चला गया सर, उसका कोई इशू हो रहा है, फोन आया. एंड वेयर इज योर वीडियो? अभी चल सर, वो मैंने उसका फोन आया तो बंद हो गया बार बार. अभी से स्विच ऑन करिए. चेहरा देख के ऐसा लग रहा है ये अफगानिस्तान से आया. अभी तो मारा क्या बोलो तेरे को, इतना रो क्यों रहा है? रो नहीं रहा सर. ओके, समटाइम्स देयर अल्टरनेट लेयर्स ऑफ वाटर एंड आइस स्किन, सो दैट वन ब्रोक थ्रू, ही केप्ट ऑन ब्रोकिंग थ्रू फॉर अ व्हाइल, समटाइम्स वेटिंग हिमसेल्फ टू द वेस्ट, दैट वाज व्हाई ही हैड साइड इन सच पैनिक. माने उसको पता था कि अगर मैं अंदर गया तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी के लिए वो डर के मारे पीछे जल्दी से आया. He had felt the gib under his feet and heard the crackle of snow, remember of snow, snow hidden ice skin. So, उसने क्या नाम है, जैसी पैर रखा ना, उसने एक आवाज सुनी कि बर्फ टूट रही है, ठीक है. तो वो बेचारा डर के मारे जल्दी से पीछे आया, बिकॉज उसने कोई गलत जगह पैर रख दी थी. लेकिन वो इतना कॉन्शियस था कि उसको वो टूटने वाली बर्फ की आवाज सुनी, एंड ही वॉज कॉन्शियस इनफ कि वो पीछे चला गया. एंड टू गेट हिज फीट वेट इन सच अ टेम्परेचर मीन ट्रबल एंड डेंजर, ठीक है. अभी वो बर्फ में नहीं जाना चाहता. एट द वेरी लीस्ट इट मेंट डिले, कुछ नहीं होगा तो डिले तो होगा. फॉर ही वुड बी फोर्स्ड टू स्टॉप एंड बिल्ड अ फायर एंड अंडर हिज प्रोटेक्शन टू वेयर हिज फीट व्हाइल ही ड्राइड हिज सॉक्स एंड मोकासिंस, ही स्टूड एंड स्टडीड द क्रीक बेड एंड हिज बैंक एंड डिसाइडेड दैट द फ्लो ऑफ वाटर केम फ्रॉम द राइट. माने अब उसने उसको देखा, माने वो जहां गिरने वाला था उसने उसको स्टडी किया ढंग से. अब पीछे खड़ा हो गया वो गिरते गिरते बचा. So he was a very smart guy also. उसने देखा कहां से पानी आ रहा है, मुझे सोचना चाहिए, ठीक है. He thought and thought and thought. तो उसको लगा कि ये वॉटर जो आ रहा है ये राइट साइड से आ रहा है, समथिंग फ्रॉम हियर, दिस वॉटर इज कमिंग फ्रॉम हियर. ये यहाँ पे पैर रखना नहीं चाहता, तो ये क्या किया, ये लेफ्ट से चलने लगा. He started walking from the left. Understood? So he changed his way. Yes. कि ये इसमें सेकंड सेंटेंस है, he had felt the give under his feet. सर इसका क्या मीनिंग है? माने उसको ऐसा लगा, दैट इज व्हाट आई सेड ना, उसने कहीं पे पैर रखा और उसको ऐसे लगा नीचे लेयर की बर्फ टूटी है. माने वही तो एक्सपीरियंस है उसको. माने कभी कभी होता है ना, अगर आप किसी पे पैर रखते हो, सपोज कर लो इफ यू स्टेप ऑन अ ग्लास, अगर आप ग्लास पे पैर रखते हो तो एक आवाज आता है ना, है ना, तो आपको समझ में आता है ना कुछ टूटा, तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली अपना पैर हटाते हो. अंडरस्टूड? तो सिमिलरली उसने जब पैर रखा ना, उसको कुछ टूटने की आवाज आई.
उसको जैसे टूटने की आवाज आएगी वो रियलाइज कर गया कि यहाँ पे खतरा है, तो डर के मारे पीछे आया. अंडरस्टूड? आई नो इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर टू एक्सप्लेन, तो इसी के लिए मैं एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो अब उसने क्या किया, वो एक्सपीरियंस आदमी था, तो उसने क्या किया, उसने स्टडी करना चालू किया कि वेयर इज दिस क्रीक कमिंग फ्रॉम. तो उसको ऐसा लगा ये राइट साइड से फ्लो है इसका, दिस इज फ्लोइंग फ्रॉम द राइट साइड. सो व्हाट ही डिड, इंटेलिजेंटली ही स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. यही करेगा और क्या करेगा. अंडरस्टूड? ही रिफ्लेक्टेड व्हाइल रबिंग हिज नोज एंड चीक, देन स्कर्टेड टू द लेफ्ट, स्टेपिंग जिंजरली एंड टेस्टिंग द फुटस्टेप फॉर ईच, फुटिंग फॉर ईच स्टेप. तो क्या किया, ये लेफ्ट में आ गया और एक एक आस्ते आस्ते पैर रख के चलने लगा. माने टेस्ट कर रहा है कि कुछ माने कैसा है, कहीं माने कहीं सॉफ्ट तो नहीं है, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा. Once clear of the danger, he took a few fresh chew of tobacco and swung along at his 4 mile gait. एक बार उसको लगा कि ये खतरा वाला एरिया टल गया है, तो फिर वो आगे गया और फिर अपना वही स्पीड 4 miles आर का स्पीड, मुंह में टोबैको और चलने लगा. दाएं बाएं दम नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूं, है ना, चलने लगा अपना टोबैको खाके वो आगे बढ़ने लगा. समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? तो एक्चुअली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली एन एक्सीडेंट बट देयर वॉज अ वेकअप कॉल, राइट? क्या हुआ तुम लोग के मुंह में जवान नहीं है? हाँ विचल, मुंह में जवान नहीं है क्या मैं बोला? Yes, sir. तो क्या समझ में आया अभी ये क्यों? अच्छा मेरे को एक बताओ कि राइटर ने ये क्यों, ये वाला इंसिडेंट क्यों दिया हुआ स्टोरी में, कोई आइडिया? फिर तुम्हारा माइक बंद हो गया. हाँ सर, पूरा इंडिया को उंगली करने का आदत हो गया ना आजकल, फटाक से माइक बंद, फटाक से वीडियो बंद. अरे सर कॉल आ गया था सर, बहाने तो तुम लोग का जा रहे हो भाई, कोई तुम लोग से कोई अला भाई, एक से एक है तुम लोग के पास. हर 5 मिनट फोन कॉल आ जाता है, हर कुछ हो जाता है, कभी नेट चला जाता है, कभी कुछ हो जाता है. अरे भाई मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, एग्जाम तुम लोग का है ना, मेरा थोड़ी ना, और 12th का एग्जाम है, दिस इज द लास्ट चांस. और मेरे को बड़ा इरिटेटिंग लगता है मेरा क्लास में कोई मेरे को डिस्टर्ब करता है, तो डोंट डू दैट. खैर एनीवे श्योर, व्हाई डू यू थिंक द राइटर हैज गिवन सच अ बिग पैराग्राफ इन बिटवीन? क्या क्या करना चाह रहा राइटर? सर प्लीज गिव 1 मिनट. Why? सर एक बार सर सोचना पड़ेगा. नहीं सर सोचना पड़ेगा. जानता है ये एक तो लिटरेरी डिवाइस है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर शैडोइंग. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोर शैडोइंग. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोर शैडोइंग. ठीक है, फोर शैडोइंग. फोर शैडोइंग का मतलब ये होता है कि राइटर जानबूझ के कुछ ऐसा इवेंट देता है और वो अपने रीडर को बताने वाला है कि आगे क्या होगा. ठीक है, माने आगे क्या होने वाला है वो राइटर बताने की कोशिश करता है पहले से. तुम देखते होगा ना हम लोग हिंदी मूवीज में अगर कुछ खराब होने वाला होता है तो थंडर लाइटनिंग चालू हो जाता है ना. हाँ जैसे ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कोई एक तो बड़ा माने टर्निंग पॉइंट आने वाला मूवी में, तो थंडर लाइटनिंग, कोई मरने वाला है तो थंडर लाइटनिंग, मंदिर का दिया बुझ जाता है. तो ऑल दिस इज फोर शेडोइंग, माने राइटर इज अबाउट टू टेल कुछ होने वाला है. तो तुमको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? सर जैसे हमारी स्कूल में तो पूरी हो गई है, ये आगे चल के उसी में गिर जाता है, जब आगे एक दूसरी आती है ना उसी में गिर जाता है, और उसी के मतलब और उसी की वजह से आगे कंप्लीट नहीं कर पाता अपनी जर्नी. करेक्ट, तो इसका मतलब ये आगे गिरेगा. तो राइटर हम लोग को एक तो वेलकम कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है. राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 hours ही केम अपॉन सेवरल सिमिलर ट्रैप्स. इसका क्या मतलब हुआ? सॉरी सर, आने वाले 2 घंटे के समय में वो उसको ऐसे और मतलब उसके सामने और ऐसी बहुत सारे ट्रैप आए, उसने फेस करे, फंसा नहीं उसने, बस फेस करे सारे. वेरी गुड, और बच के निकल भी गया. हाँ तो बच के निकल भी गया क्योंकि वो एक्सपीरियंस ट्रैवलर था. ठीक है, और उसमें एक हिंट भी होता है, माने उस वो जो उस तरह की जो क्रीक्स होती है ना उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप का हिंट भी होता है. यूजली द स्नो अबव द हिडन पूल्स हैड अ शंकन कैंडाइड अपीयरेंस दैट एडवर्टाइज द डेंजर. माने ये जो होते हैं ना, ऑब्वियसली ये जो फीचर है ये बाकी फीचर से थोड़ी डिफरेंट होती है. माने थोड़ी सी ऐसे काइंड ऑफ गड्ढा टाइप का होता है, ठीक है, संकेत जो दबा हुआ रहता है. तो आप दूर से देखोगे ना, अगर आप एक्सपीरियंस होगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है. दया है ना, आगे डर के रहना, दया कुछ तो गड़बड़ है आगे. ठीक है,
Once again, however, he had a close call, and once suspecting danger, he compelled the dog to go in front. चलते चलते लेकिन अचानक एक बार उसको और एक डेंजर मिला, ठीक है, पर इस बार वो क्या किया, खुद आगे नहीं बढ़ के अपने डॉग को बोला जा वो आगे जा, पर उसको उसको शोव किया आगे डॉग को, ठीक है, लेकिन डॉग भी कम चालू नहीं था. द डॉग डिड नॉट वॉन्टेड टू गो, द डॉग डिडंट वॉन्ट टू गो, डॉग को पता था आगे डेंजर है. मैंने एनिमल्स लोग तो डेफिनेटली थोड़े से बेटर ही होते हैं, उनका सेंसिटिव ज्यादा ही होते, ठीक है, तो डॉग को पता था. इट हंग बैक अंटिल द मैन शोव्ड इट फॉरवर्ड, माने वो डॉग नहीं जाने वाला है, तो उसने उसको जबरदस्ती डॉग को आगे भेजा कि तू जा आगे जा, देख क्या है आगे. एंड देन इट वेंट क्विकली अक्रॉस द व्हाइट अनब्रोकन सरफेस, सडनली इट ब्रोक थ्रू. तो उसने जब डॉग को आगे भेजा चेक करने के लिए, तो थोड़ा सा तो वो चला डॉग, लेकिन उसके बाद अचानक वो सरफेस टूट गया. नाउ ऑब्वियसली डॉग इज लाइटर देन द मैन, ठीक है, लेकिन फिर भी डॉग का वेट से वो सरफेस टूट गया. तो अगर वहां पर कोई इंसान होता तो डेफिनेटली वो जोर से गिरता उसके अंदर, ठीक है, अक्रॉस द व्हाइट अनब्रोकन. Suddenly it broke through, floundered. हाँ बोलो. Sir, please एक बार इसका meaning बताना, candid का, candid appearance. Candid appearance का मतलब तो क्या है? माने candid तो असल में एक तो word होता है candid, which मतलब होता है, उसका मतलब होता है very very open, frank. ठीक है, तो very माने जो सामने से दिखने वाला. So it can be a very माने very open experience, सामने से दिख रहा है. Okay. Okay sir. ये तुम्हारे बुक में कौन सा पेज नंबर है मुझे बताना जरा. सर पेज नंबर 40. तो कैंडिड एक्चुअली वर्ड होता है, ये कैंडाइड, इन्होंने कैंडिड इज अ वर्ड व्हिच बेसिकली मींस ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इनका बहुत ही कैंडाइड अपीयरेंस है, मतलब दिस कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड. हम लोग इसको बहुत इजीली, मतलब दे आर डिफरेंट, दे हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ओके okay? अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ तू पूछ रहा है वहां, चलो कोई बात नहीं, यू आर लाइक अच्छा तो है, पूछ तो अच्छी बात. ओके, तो उसने क्या किया, डॉग को आगे भेजा. ओके, और डॉग जो है वो बेचारा, अब उसको मन नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी उसका मास्टर उसको जबरदस्ती भेजा, तो वो गया, और जाने के साथ ही वो एक सरफेस पे जाके वो सरफेस टूट गया, ठीक है. एंड द डॉग फ्लॉन्डर्ड टू वन साइड, फ्लॉन्डर्ड का मतलब था स्ट्रगल टू मूव टू आवर ऑप्टेड फुटिंग, माने उसको पैर रखने का जगह नहीं मिला, ऐसे हिल रहा है पूरा वो. जैसे तैसे वो एक साइड में आया डॉग, क्योंकि वो सामने वाला सरफेस वो टूट गया था, ठीक है, एंड गॉट अवे टू अ फर्मर फुटिंग. इट हैड वेट इट्स फोर फीट एंड लेग्स, लेकिन उसमें क्या हो गया, डॉग का, डॉग का जो फोर फीट था और लेग था, माने आगे वाले पैर पूरे गीले हो गए, ठीक है. एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली द वॉटर दैट क्लंग टू इट टर्न टू आइस, और जैसे ही पानी में पैर पड़ा, वो जो पानी है वो बर्फ बन गया, इतना ठंडा है वहां पे. लेकिन डॉग क्या कर रहा है, डॉग तो इंस्टिंक्टिव जानवर है. It made quick effort to lick the ice off its leg. वो उसको चाट के उसको हटाने लगा, है ना, चाटने से थोड़ा melt हो जाएगा वो ice. उसके बाद then dropped down in the snow and began to bite out the ice that had formed between the toes. उसके toes के बीच में जो ice जम गया था, वो उसको काट के हटाने लगा, ठीक है. This was the matter of instinct. To permit the ice to remain would mean sore feet. अगर वो ice को नहीं हटाएगा, तो definitely ये जो उसका feet. Sir, ये line का मतलब क्या है? This was a matter of instinct. Yes, sir. This was a matter of instinct, ना? मतलब, हाँ, उसके इंस्टिंक्ट उसको बोल रहा है करना क्या है, डॉग है ना वो, तो उसको कोई सिखाएगा थोड़ी कि जब बर्फ बर्फ को कैसे हटाते हैं या बर्फ को कैसे चाट के हटाना चाहिए, ये सब कुछ जानवर मालिक को बोलेगा, मालिक बर्फ को. ये इंस्टिंक्ट है उनका, डॉग लोग का इंस्टिंक्ट होता है, जानवर लोग का इंस्टिंक्ट होता है कैसे बचना है, ठीक है. This was a matter. To permit the ice to remain would mean sore feet. It did not know this. It merely obeyed the mysterious prompting that arose from the deep crypts. ठीक है, माने उसको ये नहीं पता था कि अगर बर्फ लग जाएगी तो मेरा पैर ठंडा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, उसको ये सब मेडिकल कुछ नहीं पता. उसको खाली ये मालूम है कि बर्फ नहीं लगने देना है. वो उसकी अंतर आत्मा बता रही है, उसकी जो अंदर की जो आत्मा है वो उसको बता रही है कि भाई पानी में गीला नहीं होना है, ये पानी में गीला, दिस कैन बी हार्मफुल टू यू. ठीक है सर, फोर फीट का क्या मीनिंग? मतलब इसका फोर फीट माने आगे वाले दो पैर, जो नहीं, जो फीट माने क्या हो गया, सोर मतलब माने पूरा, सोर मतलब क्या होता है, ठंड में हम लोग का हाथ पैर क्या होता है, नम हो जाते ना पूरे, पूरे सोर हो जाना, मतलब पूरा एकदम जम जाना, यहाँ पर पूरा जम जाना उसका वो, ठीक है. ओके सर, सोर एक्चुअली तुमको मैं बताऊं, जो हम लोग बोलते हैं कि सोर माने होता है ना, जब हम बहुत सारा चलते हैं तो हमारा पैर छिल जाता है, ठीक है,
हमारे बहुत तकलीफ होती है पैर में, तो सोर हो जाते हैं पैर पूरे, मैंने जम जाते, मैंने कैसे बोलूं मैं तुमको, जब तुम दौड़ के आता है तो यू हैव अ सोर फीट है ना, क्या छाले वाले पड़ जाते हैं ना पैर में, पैर खराब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ छाले तो नहीं पड़ेंगे लेकिन ठंड के कारण वो पैर पूरे जम जाएंगे, ओके, उसको हम लोग बोल रहे हैं सोर। ओके सर, तो ये डॉग का पैर में बर्फ जम रहा है, ये तो आदमी भी देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि मेरा डॉग पूरा पानी में भीग गया है, तो वो जो आदमी है वो भी डॉग को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है, बट द मैन न्यू, उसको पता था कि अगर इसका बर्फ नहीं हटाया जाएगा तो उसके फीट पूरे खराब हो जाएंगे एंड ही वोंट बी एबल टू वॉक, हैविंग अचीव अ जजमेंट ऑन द सब्जेक्ट एंड ही रिमूव द मिटन फ्रॉम हिज राइट हैंड एंड हेल्प टियर आउट द आइस पार्टिकल, उसने क्या किया अपना एक तो मिटन हटाया, ग्लव्स हटाया और वो बर्फ को हटाने लगा उसके अपने डॉग के पैर से, वो नहीं चाहता था कि डॉग के पैर में बर्फ चिपक जाए, ठीक है, he did not expose his fingers from then a minute and was astonished at the swift numbness that smote them, bola ek minute nahi hua tha wo apna gloves hata ke wo barf ko side kar raha tha ki pure haath ekdam jam gaye, ekdam skeleton jaisa pura ekdam haath jaisa zombie ban gaya uska haath pura, aur ek minute ke andar itna zor se usko barf hit kar raha hai, ek tarah se smote karna hai ka matlab kya ho gaya, usko itna tarah se hit kar raha hai, usko itna hurt kar raha hai wo ki uska haath pura jamne laga ek minute ke andar mein, iska matlab kya, it certainly was cold, mane इतना ठंडा है कि एक मिनट भी अगर आप किसी गर्म चीज के बाहर निकलोगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा, अगेन द राइटर इज ट्राइंग टू टेल यू कि क्या होने वाला है, he pulled on the mitten hastily and beat the hand savagely across his chest, उसने फटाक से ग्लव्स पहना और ऐसे ऐसे मारने लगा अपने हाथ को, क्योंकि वो अगर अपने हाथ को नहीं मारेगा, शेक नहीं करेगा तो जम जाएंगे, तो वो चाहता है कि ब्लड फ्लो फिर से आ जाए, तो he started shaking his hands, ठीक है, अब ये तो और इंटरेस्टिंग चीज है, बोरा एट 12 o'clock द डे वॉज इट्स ब्राइटेस्ट, माने येट द सन वॉज टू फार साउथ टू दिस विंटर जर्नी टू क्लियर द होराइजन, अब तुमको पता है 12 बजे अगर हम लोग धूप में निकलेंगे तो क्या होगा, काले हो जाएंगे सर, सन अपनी पीक पर होएगा, ऊपर पीक में होगा ना, वहां पर भी 12 बजे था, ठीक है, वहां पर भी 12 ही बजा था, लेकिन सन अभी साउथ पोल में है, ठीक है, वो करीब यहाँ है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट, हमारा जो राइटर है वो करीब इस एरिया में है, कनाडा तुम्हारा करीब इस एरिया में है वो राइटर, लेकिन सन जो है वो अभी सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, तो उसको दिख तो रहा है लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट सन का वहां पर नहीं हो रहा है, वहां बहुत ठंडा है, सन का होना ना होना बराबर ही है, ठीक है, द बज ऑफ द अर्थ इंटरवीन्ड बिटवीन इट, माने जो अर्थ का जो राउंड शेप ऑफ द अर्थ है, ठीक है, अब सन यहाँ है, अब सन का रेज जो है वो एक्चुअली वहां तक नहीं पहुंच रहा जहां हमारा हीरो है, समझ में आ रहा बात को, यस सर, वेयर द मैन वॉक्ड अंडर अ क्लियर स्काई एट नून एंड कास्ट नो शैडो, बोला ये पहला ऐसा जगह है जहां 12 बजे किसी सूरज के नीचे खड़ा है पर कोई भी शैडो नहीं बन रहा है, क्योंकि सूरज है ही नहीं वहां पे, ठीक है, खाली दिन है, मैंने सबको लग रहा है दिन है लेकिन वहां पे कोई सूरज का कोई इफेक्ट, वहां पे सन का कोई इफेक्ट नहीं है, अंडरस्टूड, कहाँ गए हम, यस सर, एट हाफ पास्ट 12 द मिनट, हाँ, ही अराइव्ड एट द फोक्स ऑफ द क्रीक, ठीक है, अब वो आस्ता से चलते चलते वहां पहुंचा, ही वॉज प्लीज्ड एट द स्पीड ही हैड मेड, इफ ही केप्ट इट अप ही वुड सर्टेनली बी विद द बॉयज बाय 6, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, उसका डॉग का इंटरप्शन होने के बाद भी वो सही स्पीड में चल रहा है यहाँ तक, एवरीथिंग इज, ठीक है, सो फार सो गुड, ही अनबटन्ड हिज जैकेट एंड शर्ट एंड ड्रू फोर्थ हिज लंच, अपना लंच निकाला बैठ के खाने के लिए, The action consumed no more than a quarter of a minute, yet at that brief movement, the numbness laid hold of the exposed finger. ठीक है, बोल रहा है, मैंने खाली बटन खोला और अपना खाना निकाला, मैंने कितना 25 सेकंड लगा होगा, लेकिन 25 सेकंड के अंदर में भी उसकी फिंगर पूरी नम हो गई, फिर से जमने लगी, he did not put the mitten on, but instead struck the fingers a dozen sharp smashes against his leg. उसने मिटन तो ग्लव्स तो नहीं पहना लेकिन अपने उंगलियों को वो पैर पे मारने लगा, फॉर अ मूवमेंट, माने वो ऐसे मारने लगा अपने पैर के ऊपर में जिससे क्या नाम है उसमें मूवमेंट आ जाए. Then he sat down on a snow-covered log to eat. और वहां पर उसको एक लकड़ी का लॉग मिला जिस पे बहुत सारा स्नो था लेकिन वो बैठ गया खाना खाने, ठीक है, द स्टिंग दैट फॉलोड अप अपॉन द स्ट्राइकिंग ऑफ हिज फिंगर अगेंस्ट हिज लेग सीज़्ड सो क्विकली दैट ही वाज स्टार्टल्ड, और जब उसने अपने पैर पे उंगलियों को मारा, अपने हाथ को मारा, तो थोड़ा देर तक के लिए तो ऐसे बने उसका हाथ में थोड़ा मूवमेंट हुआ, लेकिन जैसे उसने छोड़ा ना वापस से वो नम हो गए, तो बोरा इतना जल्दी कैसे हो गया यार, अभी तो मैंने उसको थोड़ा सा
हिलाया था, अभी तो थोड़ा सा इसके अंदर मूवमेंट आया, इतना जल्दी हो गया क्या हुआ? ओके, he had had no chance to take a bite of biscuit. He struck the fingers repeatedly and returned them to the mitten, bearing the other hand for the purpose of. हाँ क्या हुआ? तो कुछ बोल रहा है क्या बीच बीच में? नहीं सर. नहीं सर. आवाज कहाँ से आ रहा बीच बीच? सर आपका माइक से है. ओके. तो बोल रहा है जिस हाथ को उसने खोला था उस हाथ से तो खा ही नहीं पा रहा था बिकॉज वो इतना ठंडा हो गया. उसने क्या किया, दूसरा अपना मिटन खोला और दूसरे हाथ से बिस्कुट खाया. ठीक है. He had no chance to take the bite of a biscuit. He struck the fingers repeatedly and returned them to the mitten, bearing the other hand for the purpose of eating. माने वो जो हाथ पहले खोला था वापस उसमें ग्लव्स चढ़ाया क्योंकि वो तो पूरे ठंडे हो गए थे. दूसरा हाथ खोला और उससे बिस्किट उसने खाया. He tried to take a mouthful, but the eyes muscle prevented. अब खाने गया तो खाएगा भी कैसे, पूरा तो बर्फ लगा हुआ है यहाँ पर भी, बियर्ड वर्ड पूरा तो एकदम ठंडा हो गया. ठीक है. He had forgotten to build a fire and thought. उसको समझ में आ रहा है कि भाई हम बिना आग जलाए ना खा सकूंगा ना कुछ कर सकूंगा, मुझे आग जलाना ही पड़ेगा क्योंकि मुंह भी नहीं खुलेगा तो उसको आग जलाना पड़ेगा और माने उसको गला देना पड़ेगा. ही हैज टू मेल्ट इट, ही हैज टू मेल्ट द आइस व्हिच विल गो. ठीक है. ही चकल्ड एट हिज फूलिशनेस. बोला अरे मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, आग जलाया नहीं खाने बैठ गया, पहले मुझे आग जलानी पड़ेगी. अगेन द राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस कि फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका वहां पे फायर नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे. ठीक है. सर फायर बनेगा कैसे सर, जब जब जम जाएगा तो फायर जलेगा? तो वो लोग सब प्रिपरेशन करके आता है और वहां पर जो लॉग्स होते हैं ना, अगर आप उस लॉग का ऊपर से स्नो हटा के थोड़ा सा घिसेंगे तो ड्राई हो जाता है वो सब ड्राई होता है. अगर आप निकाल लोगे उसके अंदर से और बहुत सारा जमीन, माने जमीन के ऊपर स्नो है ना पेड़ के साइड में, अगर आप उसको थोड़ा खोदोगे तो नीचे ड्राई वो निकलेगा, आप उसमें आग जला सकते मैच स्टिक से. ठीक है. एंड एज ही चकल्ड ही नोटेड द नमनेस क्रीपिंग इनटू द एक्सपोज्ड फिंगर. तो वो हंस रहा है कि यार मैं कितना बड़ा पागल हूं, मैंने आग जलाई नहीं और मैं खाने बैठ गया. इतना देर में उसका दूसरा वाला हाथ जो बिस्कुट खाने के निकाला था वो भी जमने लगा. ठीक है. ऑल्सो ही नोटेड दैट द चकल्ड का मतलब होता है टू लाफ क्वाइटली, माने हम लोग ऐसे नहीं हंसते अपने अंदर हंसते ना हंसते से, अपने अपने मन में हंसते ना उसको बोलते. ओके सर. ठीक है. ऑल्सो ही नोटेड दैट द स्टिंगिंग व्हिच हैड फर्स्ट कम टू हिज टोज व्हेन ही सैट डाउन वाज ऑलरेडी पासिंग अवे. ठीक है. उसके पैर में भी जो स्टिंगिंग था वो पूरा खत्म, माने जो उसके पैर में मूवमेंट था वो भी बंद हो गया है. ही वंडर्ड व्हेदर द टोज वेयर वार्म ऑर नॉट. उसको समझ में नहीं आ रहा पैर है कि नहीं है, पैर गर्म हुए हैं कि पूरे ठंडे हो गए. He moved them inside the moccasins and decided that they were numb. He pulled the mitten on hurriedly and stood up. He was a bit frightened. He stamped up and down until the stinging returned to his feet. उसने देखा कि उसके पैर ना पूरे एकदम ऐसा लग रहा है जम गए, तो वो डर गया. वो बोला क्या बात है यार, मैं दोबारा खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा. तो डर के मारे पहले वो खड़ा हुआ, थोड़ा जंप किया. जंप करने के बाद उसके पैर में थोड़ा मूवमेंट आया. ठीक है. तब उसको थोड़ा हिम्मत आया कि नहीं भाई चल पाऊंगा, ये नहीं कि बैठ गया तो वापस नहीं चल पाऊंगा. इट सर्टेनली वॉज कोल्ड वॉज हिज थॉट. अब वो बहुत ज्यादा सोच रहा है कि भाई सही में बहुत ठंडा है. समझ में आ रहा है? Yes. Sometimes I really imagine कि ये चैप्टर कितना तुम लोग अपने आप पढ़ पाता है इसको. हाँ? Yes, sir. क्या शार? मतलब सर थोड़े से बस इस पे थोड़े से बस वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता वो. क्या माने इजी है तुम अपने आप कर पाता कहने का मतलब तुम्हारा ये? नहीं सर, मतलब कुछ सेंटेंसेस और वर्ड्स के मीनिंग से वो क्लियर नहीं हो पाती. चलो कोई बात नहीं. इसी के लिए आई डिसाइड कि मैं तुम लोगों को जितने भी जो बच्चे हैं पूरे इंडिया में, मैं जान बुझ के कोशिश करता हूँ कि मैं उन लोगों को संग रहूँ और उनको एक एक वर्ड सब सिखाऊँ. एंड इफ यू कैन टेक एडवांटेज इट्स नाइस. ओके. लेकिन मेरे को बोलने में बहुत तकलीफ भी होता है बिकॉज कंटिन्यूसली आई एम टॉकिंग. खैर एनीवेज, दैट मैन फ्रॉम सल्फर क्रीक हैड स्पोकन द ट्रूथ व्हेन टेलिंग हाउ कोल्ड इट समटाइम्स गॉट इन द कंट्री. बोला वो सल्फर क्रीक का जो आदमी था उसने सच ही बोला था कि कितना ठंडा हो सकता है. समझ में आया बात? Yes, sir. ठीक है. एंड ही लाफ्ड एट हिम एट दैट टाइम. तो जब उस आदमी ने उसको बताया कि आप इतने ठंड में मत जाइए, इतना ठंड भी पड़ सकता है, वो उस आदमी के ऊपर हंसने लगा. हट, इतना कोई ठंडा होता है? फालतू बात कर रहा है, इतना कोई ठंडा है? आप 50-60 होता है मुझे पता है, इतना नहीं होता.
That showed one must not be too sure of things. इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, उसको पहली बार समझ में आ रहा है कि इतना arrogant होना भी सही नहीं है, ठीक है? There was no mistake about it. It was cold. उसको समझ में आ गया कि ठंडा है. He strode up and down, stamping his feet and threshing his arms until reassured by the returning warmth. वो खड़ा हो गया, अपना हाथ पर हिलाने लगा तो उसका शरीर थोड़ा सा गर्म हुआ. फिर उसने बोला, अब मैं गलती नहीं करूंगा. एक बार मैंने गलती की है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा. मैं पहले आग जलाऊंगा, ठीक है? Then he got out his matches and proceeded to make a fire. From the undergrowth, where high water of the previous spring had lodged a supply of seasoned twigs, माने बोल रहा कि पिछले बार जो नदी के कारण जो टूटे हुए जो ट्विग्स ऊपर आए थे, जो ऊपर आके जम गए, उसने उसको कलेक्ट किया, ठीक है? और उसको निकाला. He got his firewood. पहले उसको तो आग के लिए लकड़ी मिल गई. Working carefully from a small beginning. उसको मालूम है पहले छोटी आग जलाओ, आस्ते आस्ते जलाओ, फिर बड़ी बड़ी आग डालो, उसके बाद लकड़ी डालो, तब आग बढ़ेगा. एक संग बड़ा डाल देगा तो बुझ जाएगा, ठीक है? He soon had a roaring fire. और उसने आग जला ली ओवर, which he thawed the ice from his face and in the protection of which he ate his biscuit. उसके बाद वो क्या किया, अपनी दाढ़ी को आग के पास लेकर आया और अपनी सारी बर्फ को उसने गलाया आग के सामने. जब पूरा बर्फ बर्फ गिर गया, तब उसके मुंह के अंदर में थोड़ा सा मूवमेंट आया और वो अपना बिस्किट खा पा रहा था, ठीक है? समझ में आ गया. फॉर द मोमेंट द कोल्ड ऑफ द स्पेस वॉज आउटविटेड. वरा कुछ समय के लिए ठंड के ऊपर जीत उसको हासिल हुई. कुछ समय के लिए उसने उस जगह से ठंड को हटा दिया. द डॉग टुक सेटिस्फेक्शन इन द फायर. और डॉग को मजा आ गया, वो तो पूरा लंबा होके लेट गया भाई, बोला अरे आग मिल गई भाई, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर, आई वॉन्ट टू एंजॉय द फायर. वो पूरा स्ट्रेच कर गया, ठीक है? स्ट्रेचिंग आउट क्लोज इनफ फॉर द वॉर्म्थ एंड फार इनफ अवे टू एस्केप बीइंग सिंग्ड. माने डॉग भी बहुत चालू था, इतने पास भी नहीं गया कि वो जल जाए, क्योंकि जोर से आग जल रहा है ना, और इतनी दूर भी नहीं था कि मजा नहीं आए. माने जस्ट अबाउट जितना आग उसको चाहिए था, वो पूरा मस्ती से डॉग एकदम आराम से अपना गर्मी का मजा ले रहा है वहां पे, ठीक है? When the man had finished, he filled his pipe and took his comfortable time over a smoke. जब खाना खत्म हो गया तो उसने आराम से सिगार निकाला, सिगार के अंदर आग भरा और आराम से सिगार पी के रिलैक्स करा. वाओ, पूरा ठंड में अकेला आग जल रही है गर्मी में, ठीक है, बैठा हुआ है, and he's having a gala of a time, he's enjoying himself, ठीक है? Now, अब क्या करना है, अब आगे बढ़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है? Then he put on his mittens, settled the ear flap of his cap firmly about his ear and took the creek trail up the left fork. और जब उसका आग वग खत्म हो गया, उसका सिगरेट पीना बंद हो गया, and he was like comfortable, खाना वाना खा गया, he started for part two, वो अपना जर्नी चालू कर दिया. The dog was disappointed and he yearned back towards the fire. कुत्ता बोला हम नहीं जाना, हमको नहीं जाना, हमको यहीं रहना, ठीक है? The dog was disappointed. The man did not know cold. Possibly all the generation of his ancestry had been ignorant of cold, of real cold, of cold 107 degrees below the freezing point. और वो जो आदमी ना, उसको ऐसा लग रहा है उसको ठंड के बारे में कुछ पता ही नहीं, ठीक है? बोला ना उसको पता, ना उसके दादाजी को, ना परदादा को, उसके 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 किसी को पता ही नहीं है कि इतना ठंडा भी हो सकता, कभी आया ही नहीं इतने ठंड में, ठीक है? But the dog knew, लेकिन कुत्ते को मालूम था, all its ancestry knew, उसके सारे दादा परदादा सबको पता था. And it had inherited the knowledge. और डॉग को पता था कि भाई इतना ठंडा में चलना नहीं चाहिए, इतना ठंडा सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. And it knew that it was not good to walk abroad in such fearful cold. It was the time to lie snug in a hole in the snow and wait for a curtain of cloud to be drawn across the face of outer space whence this cold came. बोला ये टाइम है हाइबरनेशन पे जाने का, कहीं एक बढ़िया सा गड्ढा खोदो और उसके अंदर छुप के बैठ जाओ, जब तक ये ठंडा पास नहीं होता है, अंदर होल में चुपचाप से बैठे रहो, ठीक है? तो डॉग को पता है नहीं जाना. On the other hand, there was no keen intimacy between the dogs and the man. ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे नोट करना. बोल रहा है वो डॉग के अंदर में और उस आदमी के अंदर कोई खास प्यार भी नहीं था. माने इसका मतलब वो उसका बहुत वफादार कुत्ता नहीं था, ठीक है? माने या तो वो उस कुत्ते को बहुत अच्छे से रखता नहीं था, या फिर उनके अंदर कोई खास रिलेशन था नहीं. The one was the toil slave of the other. माने जो डॉग था, सर, वो उसका एक तरह से गुलाम था. सर ये एक डाउट है, जैसे जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो धीरे धीरे सबका वो इंट्रोडक्शन करवा दी थी कि जैसे पहले इसका करवाया, फिर बाद में डॉग का करवाया कि वो हस्की वुल्फ फैमिली से था, लेकिन सर वहाँ पे ये नहीं दे रखा था कि ये इसका पेट डॉग है,
ये तो बस वहां पे ही दे रखा था कि उसके उसके साथ और एक आया था। हाँ तो क्या हो गया तो सर जब पेट डॉग नहीं है तो सर फिर ये उसकी केयर क्यों करेगा? हाँ तो वही तो यहाँ पे एग्जैक्टली बोल रहा है ना, यहाँ पे वो लोग क्लियर इसी को तो क्लियर कर रहा है कि वो डॉग के संग उसका कोई खास रिलेशन है नहीं, ठीक है, वो खाली उसका स्लेव है, ठीक है। तो दे आर नॉट ट्राइंग टू टेल कि वो पेट है, जो तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट दे मीन। वो भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे कि पेट है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो प्यार नहीं है तो शायद पेट नहीं होगा, और अगर होगा भी पेट तो वो उसको ठीक से ट्रीट नहीं करता होगा, ठीक है। द वन वॉज द टॉय ऑफ द अदर एंड द ओनली कैरस इट हैड एवर रिसीव्ड वर द कैरस ऑफ द व्हिप्लैश एंड ऑफ हार्श एंड मेनेसिंग थ्रोट साउंड्स दैट थ्रेटन्ड द व्हिप्लैश। बोल रहा है डॉग को कभी भी उसने कभी प्यार नहीं किया, और अगर कोई प्यार उसको मिला है तो ये मिला है कि उसको मारा है उसने हंटर से। व्हिप्लैश का माने होता है हंटर से उसको मारा है, या फिर अपने आवाज से हंटर मार डराया है मारूंगा, तो उसको समझ में आ जाता है कि माने डॉग्स लोग को भी समझ में आ जाता है कि मेरा मालिक अभी गुस्से में है, ओके। तो या तो उसने वो थ्रेटनिंग सुनी है, ठीक है, या वो मार खाया उससे। सो द डॉग मेड नो एफर्ट टू कम्युनिकेट हिज एप्रिहेंशन टू द मैन। इसके लिए वो डॉग उसको बता भी नहीं रहा है कि बेटा आगे मर जा, डूब के मरेगा तू, ठीक है। वो डॉग भी जरा मरेगा तो मरेगा भाड़ में जा, मेरे को अपना अपना पड़ा हुआ है, समझ में आ गया। तो जनरली क्या होता है, अगर आपके पास कोई पेट है और अगर किसी पेट का कोई डेंजर दिखता है तो वो अड़ जाता है, ठीक है। वो डॉग जो होता है वो अपने मालिक को बचाने के लिए वो अड़ जाता है, वो नहीं मूव करेगा। तुम उसको टानो टाटो वो आपको पीछे ही टान के लेके जाएगा। दिस बेसिकली मीन्स कि वो डॉग आपको बोला मत जाओ, वहां डेंजर है। ये हॉर्स भी करते हैं, ये डॉग्स भी करते हैं, लेकिन इस डॉग को अपने मालिक से कोई प्यार नहीं था, ठीक है। इसी के लिए वो अड़ भी नहीं रहा है, वो बोला चल हमको क्या, हम तो बच जाएंगे, तू अपना देख ले, ठीक है। सो द डॉग मेड नो एफर्ट टू कम्युनिकेट हिज अप्रीहेंशन टू द मैन। इट वॉज नॉट कंसर्न इन द वेलफेयर ऑफ द मैन। उसको मैन की कुछ नहीं पड़ी थी। इट वॉज फॉर इट्स ओन सेक दैट ही अर्नड बैक टूवर्ड्स द फायर। उसको अपने फायर पे पास जाना था, और अपने फायर के पास क्यों जाना था, खाली अपने लिए जाना था, अपने मालिक से उसको कोई मीठा नहीं है, ठीक है। But the man whistled and spoke to it with the sound of whiplashes. लेकिन आदमी ने फिर से धमकाया उसको, बोला चल नहीं तो मारूंगा। And the dog swung in a man's heel that friend followed after. तो जैसे ही उसने उसको डराया धमकाया, वो डर के मारे चलने लगा, ठीक है। The man took a chew of tobacco and proceeded to start a new amber beard. Also his moist breath quickly powdered with white his mustache, eyebrows and lashes. ठीक है, अब आदमी फिर से आगे चलने लगा, फिर से दाढ़ी बढ़ने लगी उसकी, और उसकी आई लैशेज हुए, उसके आईब्रोज हुए, उसमें फिर से व्हाइट व्हाइट होने लगा, सब बर्फ जमने लगी। देयर डिड नॉट सीम टू बी सो मेनी स्प्रिंग्स ऑन द लेफ्ट फोर्क ऑफ द हैंडसन एंड फॉर हाफ एन आवर द मैन सो नो साइंस ऑफ एनी। तो आदमी को ऐसा लगा कि उसके लेफ्ट साइड में कहीं पे बेसी स्प्रिंग्स नहीं है, स्प्रिंग नहीं है आगे, ठीक है। तो उसको क्या नाम है, और वो थोड़ा सा रिलीफ हो गया कि आगे कोई स्प्रिंग नहीं है, लेकिन फिर कुछ हुआ। एंड देन इट हैपेंड, माने जहां पर उसको लगा यहां कुछ नहीं हो सकता है, वहां पर कुछ हुआ। क्या हुआ होगा वहां पर, क्या हुआ होगा शौर्य? सर वहां पर अभी जैसे कोई साइन नहीं था और वहां पे स्प्रिंग आ गया और वो गिर गया। हाँ तो वहां पर एक्चुअली में एक स्प्रिंग निकल गया और वो आदमी उस स्प्रिंग में गिरेगा, समझ में आ गया बात को। लेकिन ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी है, टाइम भी नहीं बचा हम लोग के पास में, तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन करेंगे, ओके। सो एंजॉय स्टडिंग और एंजॉय करते रहो सब लोग, और एंजॉय कल सबको फेस्टिवल है, ठीक से मनाना, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सर, बाय बेटा।